आज यू मी और टीवी आपकी खास मुलाकात करवाएगा सीरियल जीजी माँ की उत्तरा देवी यानी पल्लवी प्रधान से, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से जीत लिया है लाखों फैंस का दिल। और आज पल्लवी हमें ले आई है अपने मेकअप रूम में, जहाँ पल्लवी का होता है उत्तरा देवी में ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी प्रधान, जीजी माँ की उत्तरा देवी। आज आपको दिखाऊंगी कि कितनी मेहनत करती हूँ मैं। नहीं, मैं तो बैठी रहती हूँ, मेरे मेकअप, मेरे हेयर, मेरा ड्रेस डिपार्टमेंट उत्तरा देवी को रेडी करने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है। सो आज खास आपके लिए मैं यहाँ पे आधा घंटा पहले आई हूँ। नॉर्मली हम 9 के शिफ्ट में 8:30 बजे आते हैं, आज मुझे 8 बजे आने के लिए कहा था। पल्लवी, आपका मेकअप और हेयर तो हो गया, हमने नोटिस किया कि आपको उत्तरा देवी के कैरेक्टर में आने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके मेकअप को लेकर किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। शुरुआत में जब ये लुक हम लोग उसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे तो लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता था, बट अभी सब कुछ एकदम प्लान आउट हो गया है। सो 1-1.5 घंटा मेकअप हेयर एक साथ, आपने देखा होगा कि एक मैनिक्विन बैठी है और दो दो लोग टूट पड़े थे मुझ पे, मेकअप और हेयर। सो ये सब कुछ एक साथ होते जाता है, एक जगह पे मेकअप होता है, एक जगह पे हेयर होता है, एक जगह पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, एक जगह पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सो हमने अभी टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया है, उसके लिए खास हम पैकअप के बाद एक कॉलेज है, सिखाते हैं वहाँ पे जाके डिग्री लेके आए। पल्लवी, हमने ये भी देखा कि आपका मेकअप काफी लाउड किया जाता है, वहीं सिंदूर को भी आपकी ड्रेस के साथ कलर कोऑर्डिनेट किया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है? वेल, बेसिकली माय फेस इज वेरी सटल, इट्स अ वेरी बहुत सिंपल फेस है मेरा, शार्प फीचर्स नहीं है मेरे। टू मेक इट लुक मोर शार्प, मेरे आईज थोड़े से उसको हाईलाइट किया जाता है। मेरा सिंदूर जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है मेरे कॉस्ट्यूम के साथ, ज्वेलरी में, नॉट ज्वेलरी, ये जो बिंदी है वो कॉस्ट्यूम के साथ ही ऑलवेज कलर कोऑर्डिनेटेड होती है। आईब्रोज वगैरह थोड़े डार्क हो जाते हैं, थोड़ा सा मेकअप मेरा लाउड है, प्लस लेंसेज से काफ़ी फर्क पड़ता है, बिकॉज विदाउट लेंस अगर आप मुझे देखो और विथ लेंस मुझे आप देखो तो लुक में काफ़ी फर्क पड़ता है। वैसे पल्लवी, आपका जूड़ा भी आपके कैरेक्टर को करता है हाईलाइट, जिसे गुलदस्ते की तरह सजाया जाता है, जरा अपने इस खास जूड़े के बारे में भी बता दीजिए। वेल, हमने सीरियल शुरू करने से पहले लगभग 50 से 60 हेयर स्टाइल्स अलग अलग ट्राई की थी, विथ फ्लावर्स एंड विथ ज्वेलरी एंड ऑल, और उस पर से आई कीप चेंजिंग, फ्रंट थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, कभी पीछे लेती हूँ, कभी साइड लेती हूँ, कभी मिडिल पार्ट करती हूँ, कभी बाल क्रिम करती हूँ, सो दैट वो एक जैसा ना लगे। अभी तो ज्वेलरी ऐड नहीं हुई है, कॉस्ट्यूम ऐड नहीं हुआ है, तो एक एक चीज जब मिक्स होती जाती है मेरे पर्सनालिटी में, सो ऑल ऑफ अ सडन वो पल्लवी में से उत्तरा देवी बन जाती है। जूड़े में फूलों के साथ साथ ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, आखिर आपके इस जूड़े पर इतना इम्फेसिस क्यों? सो इट इज बेसिकली दे डिडंट वांटेड मी टू बी टिपिकल इंडियन मदर, जिसमें एक जूड़ा होगा और सिर्फ एक गजरा होता है एंड ऑल। सो दे यू नो सब काफी सारी चीजें लेके आए हैं प्रोडक्शन में से, कि एक कॉम्बिनेशन करके, ज्वेलरी और फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन करके, कभी कभी तो बालों में पूरी की पूरी डायमंड की स्ट्रिंग जाती है, एक बार तो मेरे बालों में मोर का पीस लगा दिया गया था। सो वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग। उत्तरा देवी के कैरेक्टर की बात हो रही हो तो ऐसे में इयररिंग्स की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? आपके जूड़े और सिंदूर के बाद ये इयररिंग्स ही तो हैं जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पल्लवी, अपने हेडफोन वाले इयररिंग्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? स्पेशली इयररिंग, बिकॉज अदरवाइज बाकी सारी ज्वेलरी तो नॉर्मल है, इयररिंग्स आर पर्टिकुलरली मेरा वो हेडफोन स्टाइल बोला जाता है उसे। जब मुझे पहली बार केनेरी मैम ने दिखाया था, सो आई वॉज लिटरली कि ये 12 घंटे पहन के बैठना है, बट हम लोग बहुत स्मार्ट है, हमने एक तरीका ढूंढ लिया है। यहाँ पे बालों में मेरे एक धागा है, उसमें मैं उसको अटका देती हूँ, तो जब शॉर्ट होता है तब मैं इयररिंग पहन लेती हूँ, अदरवाइज वो ऐसे लटकते रहते हैं मेरे इयररिंग्स। सो या दैट वन इयररिंग ऑल्सो मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस इन इन द लुक।
पल्लवी, जब आप उत्तरा देवी बन जाती हैं तो आपको अपने कैरेक्टर की सबसे अच्छी खासियत क्या लगती है? नॉर्मली आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ मेकअप. आप अगर मुझे बाहर देखोगे तो शायद आप पहचानोगे नहीं. मैं बहुत लुकी होती हूँ बाहर, किसी को लगेगा भी नहीं. बट या द ओवरऑल एक एक करके चीजें जैसी जैसी आती जाती है, इट हेल्प्स मी टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर वेरी इजीली. यू नो कभी कभी क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपको रिच वूमन प्ले करना है, लेकिन अगर आपको ऐसी ज्वेलरी ना दी जाए, आपको हेयर स्टाइल ना दिया जाए, या आपको ऐसे कपड़े ना दिए जाए, तो एक्टर कितना भी अच्छा हो वो 100% वो नहीं दे पाता. बिकॉज जैसे ही मैं अपने कपड़े पहन लेती हूँ, मुझ में वो एक एरोगेंस, वो एक एटीट्यूड अपने आप आ जाता है. वेल, अब पल्लवी का शॉट हो गया है रेडी, लेकिन पल्लवी अपने शॉट के लिए नहीं हुई है पूरी तरह से तैयार. तो चलिए हम और आप चलते हैं अब शो के सेट पर, जहां पल्लवी को पहनाई जाएंगी ज्वेलरीज. तो देखा आपने कि कैसे पल्लवी खुद को रियल लाइफ से रियल लाइफ में ढालती हैं. भाई, हम तो यही विश करेंगे कि आप इसी तरह अपने फैंस को एंटरटेन करती रहिए और जीजी माँ यानी के फाल्गुनी को सताती रहिए, क्योंकि आप दोनों सास बहू की ये टशनबाजी ही तो है जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आती है. मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24.